अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल सी लेस डिज़ाइन, जिसे आप दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर, नेक पर बना सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने ये सिल्क का मल्टी कलर थ्रेड लिया है। आप कोई भी यान यूज़ कर सकते हैं। सेम डिज़ाइन के लिए आप कॉटन यान भी यूज़ कर सकते हैं। और नीडल यहाँ ली है 7 नंबर 0.95 mm की। mm के हिसाब से आपको ये लोकल मार्केट में नीडल मिल जाएगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे स्कार्फ पर बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसे कहीं पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नॉट ले लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, और बेल नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरीके से आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे कॉर्नर पर। ये ऐसे, एंड देन हमें लेनी है टू चेन, वन एंड टू। टू चेन लेकर थोड़े गैप पर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से गैप पर हमें वन टाइम डबल क्रोचेट बना लेना है। टू चेन लेकर हमने वन टाइम डबल क्रोचेट बना लिया। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर ऐसे झुकाव आ रहा है, तो आप इसे खोलकर, जैसे मैं खोल रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा आप नज़दीक डबल क्रोचेट बना लो। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ये होता है कि डिज़ाइन में खिंचाव नहीं आता है, लुक बहुत प्यारा लगता है। अब जैसे ही आपने डबल क्रोचेट बनाया, फिर आपने टू चैन लेनी है, और ये जो डबल क्रोचेट है, इस गैप में हम थ्री टाइम्स डबल क्रोचेट बनाएंगे क्रॉस में, वन टू एंड थ्री, इस तरीके से। फिर हमें लेनी है यहाँ पर थ्री चैन, वन टू एंड थ्री। थ्री चैन लेकर फर्स्ट चैन के गैप में हमने नीडल डालनी है, और यहाँ पर हम बनाएंगे पिकॉट। पिकॉट बनाने के बाद सेम गैप में फिर से हम थ्री टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे, वन टू थ्री, इस तरीके से। फिर थोड़े गैप पर हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, ऐसे, और अब फिर हम लेंगे थ्री चैन, वन टू एंड थ्री। थ्री चैन लेकर हमें पिकॉट बनाना है, तो ये जो हमारे सिंगल क्रोचेट के जो दो धागे हैं, इसमें हम नीडल डाल देंगे, और यहाँ पर हम नीडल पर धागा फोल्ड करके इन धागों में से बाहर आकर फिर दो धागों में से बाहर आ जाएंगे। फिर हम लेंगे वन चैन और थोड़े गैप पर सिंगल क्रोचेट बना लेंगे, इस तरीके से। फिर से एक बार ऐसे हमें टोटल थ्री टाइम्स करना है, वन टू एंड थ्री। थ्री चैन हमें लेनी है, जो हमने सिंगल क्रोचेट लिया है, इसके दो धागों में हम नीडल डालेंगे ऐसे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके इन दो धागों में से बाहर आएंगे, फिर नीडल पर जो दो धागे हैं इन दोनों धागों में से बाहर आएंगे, देन वन चैन लेंगे और फिर थोड़े गैप पर सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। फिर से एक बार सेम ऐसे ही, वन टू एंड थ्री चैन, एंड जो ये सिंगल क्रोचेट है, इसमें हम नीडल डालकर यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बना लेंगे, फिर वन चैन लेंगे और थोड़ी दूरी पर सिंगल क्रोचेट बना लेंगे, ये इस तरीके से। फिर सेम यही डिज़ाइन हमारी फिर से बनेगी, टू चैन हमें ले लेना है और थोड़ी सी दूरी पर हमें वन टाइम डबल क्रोचेट बना लेना है। फिर टू चैन लेनी है, वन टू, फिर इस गैप में थ्री टाइम्स डबल क्रोचेट, वन टू एंड थ्री, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम थ्री चैन लेंगे और जो लास्ट वाला डबल क्रोचेट है, इसमें हम थ्री चैन लेंगे और फर्स्ट चैन के गैप में नीडल डालकर यहाँ पर दोनों धागों में से हम बाहर आ जाएंगे।
फिर सेम गैप में 3 times डबल क्रोचेट बना लेंगे, 1, 2 and 3 इस तरीके से। फिर आपने ये जहाँ तक झुक रहा है वहाँ पर आपने सिंगल क्रोचेट बना लेना है और बस ऐसे ही आपने ये कंटिन्यू बनाते जाना है। ये देखें, अब ये पिकॉट वाली डिज़ाइन बनेगी, फिर ये डिज़ाइन बनेगी। तो आपने फिर 3 chain लेनी है और ये जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाया है इसके दोनों धागों में हम नीडल डालेंगे और पहले इन दो धागों में से बाहर आएंगे, फिर नीडल पर जो दो धागे हैं उनमें से बाहर आकर 1 chain कंपलसरी आपने लेना है और फिर सिंगल क्रोचेट बनाना है। फिर आपने 3 chain लेनी है, 1, 2 and 3 और फिर दो धागे हैं इनमें नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है, फिर जो दो धागे हैं इनमें से बाहर आ जाएंगे और 1 chain लेकर थोड़ी दूरी पर सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। अगेन 1, 2 and 3 chain लेंगे, दो धागे आपको दिख रहे हैं ये, इनमें नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर 1 chain लेकर थोड़े गैप पर 1 time सिंगल क्रोचेट बना लेंगे और ऐसे ही हमारी ये लेस डिज़ाइन बनती जाएगी। फिर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए हम 2 chain लेंगे और थोड़ी दूरी पर 1 time डबल क्रोचेट बना लेंगे। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 2 chain एंड इस गैप में क्रॉस में 1 time डबल क्रोचेट, 2 times डबल क्रोचेट एंड 3 times डबल क्रोचेट बनाएंगे एंड 1, 2 and 3 chain और फर्स्ट चैन के गैप में नीडल डालकर दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर सेम गैप में 1, 2 and 3 times डबल क्रोचेट बनाकर इसे अटैच कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और अगर आप कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर आपने लेनी है 3 chain एंड देन ये जो दो धागे हैं इसमें नीडल डालकर हम बाहर आ जाएंगे, फिर दो धागों में से बाहर आ जाएंगे, देन 1 chain लेंगे और आगे थोड़े गैप पर अटैच कर लेंगे, अटैच लाइक सिंगल क्रोचेट, और इसी सिंगल क्रोचेट में दूसरा पिकॉट हमारा बन जाएगा। सो ऐसे ही आपने इसको बनाते जाना है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी और लेंथ बनाकर बताती हूँ। सो गाइज, ये देखें, ये है इसका फाइनल लुक और ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। साथ ही मेरा एक और चैनल है अरबिना बुटीक, जहाँ पर मैं मैक्रेम नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी के प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। बाय गाइज़।